हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप आरओ के पंप का प्रेशर कैसे चेक कर सकते हो डायरेक्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें वीडियो में कि अगर आपको पंप अगर चेक करना है, उसका प्रेशर चेक करना है कि आप डायरेक्ट उसे कैसे चेक कर सकते हो बिना किसी कनेक्शन के। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ कि आरओ का पंप कैसे आप चेक कर सकते हो उसके प्रेशर को। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना है कि आपको यहाँ पे एल्बो को लगा लेना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपको एल्बो को लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड एल्बो लग गया प्लस दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में, तो हम यहाँ पे राइट साइड में आपको एल्बो लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एल्बो लगाने के बाद उसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो आपको पानी का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन जहां भी होगा आपको वहां से आपको पाइप का कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पानी का फिटिंग है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस नॉब को पाइप निकाल लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम पाइप को दूसरा लगा लेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो हमें डायरेक्ट चेक करना है यहाँ पे पंप का प्रेशर चेक करना है दोस्तों यहाँ पे। तो पंप का प्रेशर सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है आरओ में, तो दोस्तों कि आपका पंप वर्क कर रहा है अच्छे से कि नहीं कर रहा, आपका प्रेशर कैसा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस नॉब को आपको ऑन कर देना है, तो यहाँ से आपका पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे मोटर पे आपको इन आउट का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड में आपको इन है, यहाँ से पानी पहले इन होगा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आउट है, तो दोस्तों यहाँ पे आउट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसको हम कर लेंगे, पाइप को लगा लेंगे इन आउट में। तो सबसे पहले हम इन में लगाएंगे और यहाँ पे आउट में लगाएंगे। तो दोस्तों इन आउट मैंने दिखा दी, एरो का निशान बना हुआ है, इसे आप ध्यान से देख सकते हो जिस तरफ एरो जा रहा है पहले उधर पानी जाता है उसके बाद आउट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इन में हम पहले पाइप लगा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा इन वाला एल्बो है। तो यहाँ पे हमारा पानी पहले जाएगा दोस्तों, जो हमारा टंकी से कनेक्ट पानी होगा वो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा आउट वाला पाइप है, तो यहाँ पे आउट वाले पाइप को हम लगा लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसका आउट वाले पाइप को लगा लेते हैं सिंपल से तरीके से। यहाँ पे आपको करना है कि आपको पाइप को पुश कर देना है अंदर की तरफ से, आपको ये पाइप लग जाएगा और ये हमारा कनेक्ट हो गया दोस्तों। तो ये कनेक्ट हो गया, उसके बाद आपको पंप का प्रेशर चेक करना है। तो प्रेशर चेक करने के लिए दोस्तों मशीन को आपको चालू करना पड़ेगा, मोटर को। तो मोटर को चालू करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको एक SMPS की ज़रूरत है, आप एक SMPS ले लेना दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक SMPS है, तो इस SMPS को आपको जोड़ लेना है और यहाँ पे आपको मोटर को चालू करके इसका प्रेशर चेक करना है। तो दोस्तों आपको करना है कि इसकी मोटर के वायर को और आपको SMPS के वायर को आपको जोड़ लेना है पीछे की तरफ से। आपको जैसे मैंने बताया था DC कनेक्शन होता है, तो आपको यहाँ पे जोड़ लेना है इन दोनों वायरों को, जोड़ लेना है। तो अलग अलग हैं दोस्तों ये, और इन वायरों को जोड़ लेना है। तो मैंने यहाँ पे इन वायरों को जोड़ दिया दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे। उसका दोस्तों आपको करना है कि आपको मशीन को चालू कर लेना है। जैसे मैं बता दूं दोस्तों आपको एडेप्टर को मेन स्विच से आपको ऑन कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे इसका वायर है, तो वायर को खोल लेना है और सबसे पहले यहाँ पे पानी को ऑन कर लेते हैं। हम यहाँ पे पानी को ऑन कर लिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने मशीन को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हम ये पंप का प्रेशर चेक कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो हमारा जो पंप का प्रेशर वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। देखो इसे इस तरीके से आपको पंप का प्रेशर आना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको दिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट आप पंप का प्रेशर कैसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह अपने आरओ का पंप का प्रेशर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।